देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाज़रीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। इस स्कीम को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया। इस स्कीम का मकसद महिलाओं और लड़कियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सपोर्ट देना, उनको मजबूत बनाना और उनके परिवार की हौसला अफजाई करना है, ताकि वो लड़कियों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकें और उनकी शादी के खर्च के लिए बचत कर सकें। ये मुल्क की एक छोटी बचत योजना है। इसके तहत कोई भी महिला अपने नाम से या किसी नाबालिग लड़की के माता पिता या उनके लीगल गार्जियन लड़की के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट किसी भी डाकखाने या फिर ऑथराइज्ड सरकारी बैंक में खोला जा सकता है, जिसके तहत कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं और इस स्कीम के तहत 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार जी। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। फॉर कमेमोरेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, अ वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग्स पत्र और सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर अ 2-year पीरियड अप टू मार्च 2025। दिस विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2,00,000 इन द नेम ऑफ अ वुमन और गर्ल्स फॉर अ टेनर ऑफ 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option। हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2,00,000 रुपये तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा। अशोक जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम आखिर है क्या? महिला सम्मान बचत पत्र योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि महिलाओं को डेडिकेटेड है। ये योजना महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए और उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक बहुत ही अहम योजना है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनकी स्वतंत्रता के लिए डेडिकेटेड है और इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं से लेकर के अन्य तमाम तरह की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लाई गई हैं। इसी योजना के लगातार महिला सम्मान बचत पत्र योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से भारत के सभी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध थी। ये योजना अभी तक दिल्ली के पोस्ट ऑफिसेज में करीब 37,000 बचत पत्र अकाउंट्स खोल चुकी हैं और देश की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 23,00,000 महिला बचत पत्र
स्कीम बेची जा चुकी है महिलाओं के बीच में। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस स्कीम के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? टोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजे की बार आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो इसमें किसी भी उम्र की महिला का बचत पत्र अकाउंट खोला जा सकता है। सिर्फ जो माइनर बच्चे हैं, माइनर महिलाएं हैं, उनका अभिभावक के द्वारा, माता पिता या लीगल अभिभावक के द्वारा खोला जाएगा। और इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। और इसको खोलने के लिए एक उनका फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, एक पता का प्रमाण चाहिए और जहां उपलब्ध है वहां पैन कार्ड चाहिए। अशोक जी, ये तो बात हुई कि क्या है ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेकिन जानना चाहेंगे क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको खुलवाने के? मैडम, अगर हम इस योजना के अन्य लाभों के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत 7.5% का भारत सरकार रिटर्न गारंटी करती है और ये क्वार्टरली लेवल पे, मतलब कि हर 3 महीने के लेवल पे इसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। और अगर हम बात करें, ये 2 लाख तक की अधिक तक की सीमा तक का हम कोई भी महिला इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर, और जो निवेश करने की अवधि है वो मैक्सिमम 2 साल है। मैक्सिमम 2 साल क्या कहें, 2 साल के लिए ही ये योजना आई है, फिक्स्ड है। अगर 2 साल में कोई महिला 2 लाख रुपये का डिपॉजिट करते हैं इस स्कीम के तहत में, तो 2 साल के अंत में उन्हें 2,32,044 रुपये का रिटर्न प्राप्त होता है जी। और अगर हम इस योजना को एक सोशियो इकोनॉमिक महत्वपूर्ण स्कीम के तहत देखें, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार महिलाओं के लिए विशेष योजना ला रही है, जिससे कि महिलाएं समाज के को चलाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और उसके लिए उनकी आर्थिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण आधार है। जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी आर्थिक रूप से, तब तक वो पुरुषों की बराबरी करने का के लिए एक महत्वपूर्ण कदम नहीं होगा। इसी के तहत भारत सरकार ये योजना लेके आई है, जिसमें कि अन्य वित्तीय योजनाएं जो भारत में उपलब्ध हैं उससे कहीं अधिक लाभ इसमें भारत सरकार गारंटी करती है। और निश्चित अवधि में ये उनको रिटर्न मिलेगा। इस योजना के तहत हम इसको 1 साल में प्री क्लोज भी कर सकते हैं, अगर महिलाओं को कोई विशेष रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो, और उसमें -2% जो 7.5% का इंटरेस्ट है उसे इससे करके 5.5% के इंटरेस्ट पे हम 1 साल के बाद भी इस योजना को का लाभ महिलाओं को दे सकते हैं जी। ये योजना, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब ये भारत सरकार जब 2014 में नई सरकार का गठन हुआ था, उसके तुरंत बाद 2015 में महिलाओं के लिए, खासकर बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक आधार प्रदान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार लेके आई थी, जिसमें महिला सम्मान से भी बच्चों का भविष्य का मामला था तो उससे भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिलता था। और आज की तारीख में उसका इंटरेस्ट 8% है और वो 0 ईयर से लेकर के 10 साल तक की बालिकाओं के लिए ये योजना लेके आई थी सरकार, और वो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं, खास करके महिलाओं के बीच में, और जो जिसका पेनिट्रेशन आपको बहुत लोअर मिडिल क्लास और इवन लोअर तबके तक में भी है। और मैं कहूँगा कि उसने एक क्रांति लाई है महिलाओं के बच्चियों को पढ़ाने के और उनके भविष्य को संवारने के लिए। जो महिलाएं जो घर आज तक बच्चों को ये सोचते थे कि हमारे पास एक लेबर फोर्स हमारे हाथ में आ गया, हमारे घर में आ गया, वो महिलाएं इस योजना में जब अपनी बच्ची को दर्ज कराती हैं उसी दिन उसके लिए एक बड़ा भविष्य देखती हैं कि इस बच्चे को भी पढ़ाएंगे, इसको भी हम इसकी ज़िंदगी को आगे अपने पैरों पे अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए हम आगे इसको इसके भविष्य को संवारेंगे। उसी से लगातार ये योजना है कि जब बच्ची संवर गई सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेके और अन्य योजनाओं का लाभ लेके, और उनके उनके जो माता पिता उनके अभिभावक हैं उनकी मानसिक जो क्रांति आई, उसी के तहत ये योजना ये है कि जब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होती हैं और वो कुछ सेविंग शुरू करती हैं, तो भारत सरकार ये योजना अब लेके आई है कि उनका जो भी कुछ सेविंग है
उसको भारत सरकार और संबल प्रदान करे और उसका जो रिटर्न है कुछ ज़्यादा उनको मिले, उनको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो, उस पर लाभ अधिक मिले, जिससे कि महिलाएं कोई आगे और बड़ा काम करना चाहती हैं उसमें उनको ये एक आधार स्वरूप के रूप में काम करें। अशोक जी, ये तो बात हुई कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस स्कीम के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो। अब ये बताइए कि कैसे रजिस्ट्रेशन या आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है। महिला समान बचत पत्र योजना जब शुरू की गई थी, अनाउंस की गई थी मार्च 2023 में और लॉन्च की गई अप्रैल 2023 में, उसके बाद हम लोगों ने, डाकघर ने 1 अप्रैल से ही ये योजना भारत के सभी डाकघरों में देना शुरू कर दिया था। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कोई भी महिला अपने निकटतम डाकघर में पहुँचे, जो कि तकरीबन हर 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है, वहाँ पहुँचें और अपनी इच्छा जाहिर करें। हमारे डाकघर के कर्मचारी उनको हर तरह की जानकारी और इसको सरलता से डाकघर बचत पद जो योजना है इसको खोलने में मदद करेंगे। आप जो जितने रुपए के लिए आप ये योजना शुरू करना चाहते हैं, जो कि 1000 के न्यूनतम एक रकम से शुरू होती है और 100 रुपयों के गुणक में 2 लाख रुपए तक का आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो आइदर कैश लेके महिलाएं पहुँचे पोस्ट ऑफिस या चेक लेके पहुँचे, अपने साथ एक पहचान पत्र रखें जिसमें उनका फ़ोटो हो, एड्रेस हो, अगर उनके पास आपको पैन कार्ड है तो वो भी लेके पहुँचे, और डाकघर में आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा, उसको भरें। उसको भरने में हमारे डाकघर के कर्मचारी मदद करेंगे और वो बचत पत्र जो फॉर्म है भरा हुआ, वो कैश या चेक के साथ आप डाकघर काउंटर पे जमा करें और आपका ये जो बचत पत्र का जो खाता है, महिला समान बचत पत्र का, वो बहुत ही सरलता से आपको डाकघर में खुलवा सकते हैं। अशोक जी, आपने बताया कि क्या प्रोसेस होता है अगर इन्वेस्ट करना चाहें कोई महिला या लड़की इस स्कीम के तहत। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करना है। महिला समान बचत पत्र योजना खुलवाने के लिए डाकघर को अप्रोच करती हैं तो वो ये ध्यान रखें कि अपने साथ वो जितने रकम की वो समान बचत पत्र खुलवाना चाहती हैं वो रकम चेक में या कैश में। दूसरा, वो अपना एक फ़ोटो सहित सरकारी विभाग के द्वारा जारी किया कोई पहचान पत्र लेके जाएं, उसमें उनका अद्यतन एड्रेस हो, पता हो, और अगर बच्ची माइनर है और गार्जियन के थ्रू अगर उनका या पेरेंट्स के थ्रू खुलवाया जा रहा है ये खाता, तो उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इतने लेके वो पहुँचें और बाकी काम आपको डाकघर के कर्मचारी आपको मदद करके, है ना, बचत पत्र को खुलवाने में मदद करेंगे और बहुत सरलता से डाकघर में ये योजना खोली जा सकती है। अशोक जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कम से कम कितने पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम जमा की जा सकती है, क्या इसका ड्यूरेशन होता है, कितने समय के लिए जमा कर सकते हैं और कितना होता है इंटरेस्ट रेट। महिला समान बचत पत्र योजना एक बहुत ही कम आय अगर महिलाओं को हो रहा है वो लोग भी इसको खुलवा सकते हैं, और इसकी न्यूनतम सीमा जो रखी गई है, जो पहला जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो 1000 रुपये है, और 1000 रुपये से ज़्यादा 100 रुपये के गुणक में 2 लाख रुपये तक की योजना खुलवाई जा सकती है। ये योजना कोई भी उम्र के की महिला या बालिका खुलवा सकती हैं। ये योजना 2 सालों के लिए फिक्स्ड टाइम को लेकर के आई है, हालांकि एक्सेप्शन के रूप में अगर कोई अचानक से कोई बहुत ज़रूरत पड़े तो ये 1 साल में बंद की जा सकती हैं कुछ इंटरेस्ट की कटौती के साथ, और अगर कोई बहुत बड़ा कंपैशनेट अगर कोई घटना हो जाती है महिला के लाइफ में, उस ग्राउंड पे भी ये इसको प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। जी अशोक जी, इस स्कीम के तहत एक व्यक्ति कितने सेविंग्स खाते खुलवा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये योजना 2 लाख रुपये तक के लिए है, लेकिन न्यूनतम जो इसका रकम है वो हम 1000 रुपये से भी खुलवा सकते हैं। तो इसमें 1000 रुपये से लेकर के 2 लाख की रकम पहुंचने तक 100 रुपये के गुणकों में हम हर 3 महीने पे जितना भी खाता या बचत पत्र चाहें महिलाएं इशू करवा सकती हैं पोस्ट ऑफिस में आके। 2 कंडीशंस हैं, एक तो कि अगर आपने किसी भी रकम से अगर शुरू जो किया है 1000 या 1000 से ऊपर 100 रुपये के गुणक में, उसको खुलवाने के बाद 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है।
तीन महीने के बाद फिर आप 2 लाख रुपए की सीमा तक पुराने जो आपने अकाउंट्स खोले हैं अब तक उनको जोड़ करके 2 लाख की सीमा तक जो भी खाता आप के रूप में आता है उससे आप नया बचत पत्र खाता खुलवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि एक व्यक्ति इस स्कीम के तहत कितने बैंक खाते खुलवा सकता है, लेकिन एक दिन में कितना लेन देन हो सकता है एक खाते में, ये भी जानना चाहेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह की स्कीम है जो महिलाओं के लिए स्पेशल लाई गई है जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो इसलिए ये खाता जब हम एक बार शुरू करते हैं तो दो सालों के लिए ही ये खाता लॉक होता है। एक्सेप्शंस के तहत हम बीच में क्लोज करा सकते हैं, बट ये खाता एक बार खुलवाने के बाद इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 सालों के लिए। कि आज की तारीख में हमारे सभी डाकघर एक्सेप्शंस कुछ को छोड़ के जहाँ कोई लोकल कारण के चलते नहीं हो, सब इंटरनेट बैंकिंग पे हमारे सारे डाकघर आ गए हैं। तो ये खाता आप ऐसे डाकघर जहाँ पोस्ट ऑफिस इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है POS बचत पत्र के लिए, वहाँ आप घर बैठे भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि आपको सबसे पहले डाकघर सेविंग्स स्कीम में खाता खुलवाना होगा और उसको इंटरनेट से ऑपरेट करने की सुविधा इनेबल करानी होगी और उसके बाद आप ये खाता आप खुलवा सकते हैं जो कि उस डाकघर के बचत पत्र खाते से लिंक हो। जी अशोक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आप इसको खुलवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने का क्या फ़ायदा है। देखिए मैडम, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत सरकार की एक अपनी संस्था है। ये डाकघर में डाक सेवाओं के साथ बचत बैंक की बैंकिंग सेवाएं पिछले 160 वर्षों से देती आ रही हैं। इसमें जो भी पैसे आप जमा करते हैं उसमें भारत सरकार की पूर्ण गारंटी होती है। चूंकि ये छोटी बचत योजनाओं को लागू करने की भारत सरकार की अग्रणी संस्था है, तो इसमें जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। जैसे अकाउंट खोलने में सरलता, उनको संचालन करने में सरलता, आजकल नया बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद हम उनको उनके द्वार पे ये बैंकिंग सेवा लेके पहुंचते हैं, ये सुविधा है। दूसरा है कि नॉर्मली जो मार्केट में उपलब्ध है किसी भी स्कीम के तहत जो रिटर्न उसमें इंटरेस्ट, उससे कुछ ज़्यादा ही भारत सरकार जनता के को रिटर्न ज़्यादा देने के लिए लेके आती है। तो आप जैसा सेविंग्स बैंक में देखेंगे मोस्टली बैंक्स 3% से 3.5% का इंटरेस्ट लेके आती हैं, लेकिन जो डाकघर का बचत बैंक का खाता है सेविंग्स बैंक का, उसमें 4% की वार्षिक दर से हम इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। और भी अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार जो भी जिस वर्ग के लिए योजना लेके आती हैं, सीनियर सिटीजन्स हों, महिलाएँ हों, बच्चे हों या आम जनता हो, उनके लिए तरह तरह के खाते उनके लायक लेकर के आई हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खाते हम लोग यहाँ खुलवाते हैं जिसमें कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है 8.2% का उसमें मिलता है। महिला सुकन्या समृद्धि बालिका सुकन्या समृद्धि की हमने बात करी, सुकन्या समृद्धि योजना की। हम दिल्ली में अभी हम लोगों ने एक स्कीम चलाया है जिसमें हम बच्चों के स्कूल से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनके जो प्रिंसिपल और अन्य लोग हैं उनके साथ मिल करके अभिभावकों से बात करके हमने संपूर्ण सुकन्या स्कूल की योजना शुरू करी है, जिसके तहत किसी भी स्कूल में जितनी बालिकाएं हैं हम सबों का उनके गार्जियन के साथ मिल करके और कोशिश करके हम उनका सबों का एक सुकन्या का खाता खुलवाते हैं जी। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर में PPF के अकाउंट हैं, 1 ईयर TD, 2 ईयर TD, 5 ईयर TD के खाते हैं। PPF के खाते में जिसमें कि आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और 7.1% का इंटरेस्ट होता है जिसका आप इनकम टैक्स में लाभ ले सकते हैं, वो खाते भी हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए और अन्य लोगों के लिए MIS स्कीम है जिसमें आप कहीं से आपको एक मुफ्त पैसा मिलता है, तो आप अगर आप खाते में जमा करें तो हर महीने एक निश्चित रिटर्न आपको मिलता है, वो खाते हैं। तो इस तरह के से हम देखते हैं कि भारत के अंदर में जो भी वर्ग है उन सभी वर्गों के लिए कोई ना कोई विशेष रूप से उनके लिए लायक, उनको ज़्यादा सुविधा प्रदान करने वाला खाता डाकघर में उपस्थित है, उपलब्ध है।
अशोक जी, आपने बहुत डिटेल में बताया इस स्कीम के बारे में, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप मैसेज दें। अगर हम इस योजना के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, अगर इसको नटसेल में हम बोलें कि योजना है क्या, तो ये योजना एक भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए खास तौर पे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और उनको एक निश्चित वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए 2023 इस वर्ष के बजट में ये योजना लाई गई थी, जिस योजना के तहत 1,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की के रकम से ये जो महिला सम्मान बचत पत्र है इसमें निवेश किया जा सकता है। और इसका लॉकिंग पीरियड 2 साल का है। 2 साल अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला जमा करती हैं इसमें और 2 साल तक वो नहीं उसको तोड़वाती हैं, तो उनको 2,00,000 रुपये के ऊपर 2 साल के अंत में 2,32,044 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और जो कि अन्य योजनाओं से बहुत अधिक है। और ये योजना आपके निकटतम डाकघर में उपलब्ध है। आप रकम, अपना पहचान पत्र, अपना एड्रेस प्रूफ लेकर के निकटतम डाकघर में आए, डाकघर के कर्मचारी आपको इस योजना को मदद करने के लिए आगे आएंगे और बहुत ही सरलता से आपका खाता खुलवाया जा सकता है। मैं यहाँ देश की महिलाओं बहनों से ये अनुरोध करूँगा कि भारत सरकार ये योजना उनके लिए लेके आई है और इसमें उनका बहुत लाभ निहित है, तो वो आगे आएँ और अपने जो भी उनका छोटा बचत है, बड़ा बचत है 2,00,000 रुपये तक का, वो डाकघर में आए और महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत इसको जमा करें और भारत सरकार की योजना का अधिकतम लाभ लें, अपने पैरों पर खड़ा हों और बुलंदियों को छुएं। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। Thank you.
आज हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुछ ऐसी ख्वातीन जिन्होंने की इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है। देखिए, ये जो स्कीम है महिला सम्मान बचत पत्र, तो ये अभी तक जो है महिलाओं के लिए स्पेशली कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही हो और जिसमें इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा हो। हर एक महिला को अपना ये खाता जरूर खुलवाना चाहिए, और सिर्फ ये महिलाओं के लिए ही नहीं है, जो बच्चियां हैं उनके लिए भी हम खुलवा सकते हैं। मैंने अपने नाम से अकाउंट खुलवाया है, और अकाउंट इसलिए खुलवाया है कि अकाउंट में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, और अगर हम 6 महीने बाद भी तोड़वाते हैं तो भी हमें सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए मैंने ये अकाउंट खुलवाया है। माई सेल्फ वर्षा, मैंने अपने नाम पे ये अकाउंट खुलवाया है, और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये एक्सक्लूसिवली विमेन को डेडिकेटेड एक स्कीम आई है, जो इससे पहले और कोई ऐसी स्कीम नहीं थी। ये खाता मैंने अपने फ्यूचर्स के लिए खुलवाया है, ये बहुत ही अच्छा खाता है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए ही है। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है, 7.5% इंटरेस्ट रेट है। इसके साथ ही इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसको एक साल के अंदर 40% विड्रॉ भी कर सकते हैं एक साल के बाद में, और आप 6 महीने के बाद में इसमें प्रीमैच्योर क्लोजर भी इसका ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा दे रही है, और मैंने अपनी बहन का भी खुलवाया है, मेरी मदर का भी खुलवाया है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है ये स्कीम, और पहले महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी अपना अकाउंट खुलवाएं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पोस्ट ऑफिस की तरफ से 1 अप्रैल 2023 से ऑपरेट की जा रही है। इस स्कीम के तहत कोई भी महिला या लड़की इसका फ़ायदा 31 मार्च 2025 तक उठा सकती हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाली महिलाओं और लड़कियों को किसी भी तरह के मार्केट रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये स्कीम बहुत ही महफूज है, पूरी तरह से महफूज है, और इसमें गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। इस स्कीम के तहत कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अशोक जी, आपने समय निकाला और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में इतनी डिटेल में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, कि भारत सरकार की ये योजना जो डाकघर के माध्यम से आम महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए उपलब्ध है, उसकी जानकारी हम आपके माध्यम से हम अपने देश की महिलाओं के बीच में ले जा पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू? मिसेस नौटंकी, डैड आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। shaadi.com, रजिस्टर नाउ। शायरी एहसास का भी नाम है, शायरी गुलशन की खुशबू भी है, शायरी शहद की मिठास भी है। हमारे दर्द से वाकिफ जहां न हो जाए। इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, जिंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। जाने कितनी उड़ान बाकी है। चमेली और जूही से